प्लीज अटेंट द क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन से इकोनॉमी को उबारने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं देखिए इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है इकोनॉमिक रिसेशन में मनी सप्लाई कम होती है मनी सप्लाई कम होगी मतलब डिमांड कम होगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर हम किसी तरीके से मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगी डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चालू हो जाएगी तो उसमें अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स मतलब यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है पब्लिक प्रोजेक्ट्स ला रही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रही है जिसमें क्या होगा जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे तो क्या होगा जॉब्स बढ़ेगी जॉब्स बढ़ेगी मतलब लोगों के हाथ पे पैसा आएगा लोगों के हाथ पे पैसा आएगा मतलब लोग पैसे वो पैसे को खर्च करेंगे मतलब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ी डिमांड बढ़ी और ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना चालू गई तो करेक्ट आंसर विल बी बी ओनली